नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है। बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला देहरादून में सामने आया। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया है कि हाल ही में स्कॉटलैंड से लौटी 31 साल की महिला के सैंपल की जांच में उसके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया और नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। तो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा उत्तराखंड में। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा में प्रदेश के पर्यटन लोक निर्माण मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की 1,19,00,000 से ज्यादा की सड़कों का शिलान्यास किया। सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पोखरा के अंतर्गत 4 किलोमीटर लंबे कुंज खाल, बरसुण देवता मोटर मार्ग और 10,00,000 की धनराशि से बनने वाले बडोल गाँव से कोला खाल, जिड़जी मोटर मार्ग का शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा है कि आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि बड़े लंबे संघर्ष के बाद इस मोटर मार्ग का शिलान्यास करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भविष्य की कामना करते हुए कि हमारा उत्तराखंड का विकास हो, बरसुण देवता से मेरी ये प्रार्थना है। आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है कि बड़े संघर्ष के बाद हमें यहाँ पर कुंज खाल बरसुंड देवता मोटर मार्ग का शिलान्यास करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये मोटर मार्ग 1,09,76,000 में बनकर के तैयार होगा। बडोल गांव से पठोल गांव मोटर मार्ग का शिलान्यास कुल लागत 10,00,000 रुपए है। ये क्षेत्र हमेशा विकास के लिए जूझता रहा। जब पौड़ी विधानसभा होती थी तो मुझे याद है कि ये बिल्कुल विधानसभा क्षेत्र का अंतिम भाग रहता था। उत्तराखंड में आज सत्तारूढ़ बीजेपी को उधम सिंह नगर में बड़ा नुकसान हुआ है। उधम सिंह नगर में यशपाल आर्य के करीबी नेता सुरेश गंगवार, उनकी पत्नी रीनू गंगवार ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। उधम सिंह नगर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश गंगवार जिला पंचायत अध्यक्ष रीनू गंगवार के पति हैं। सुरेश गंगवार रोजगार मंत्रालय की केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के पद पर थे और हाल ही में जिम्मेदारी भी छोड़ दी है। जनपद उधम सिंह नगर को हमने एक तराई का हमारा गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल है। वहाँ पर फूल का मतलब इन द सेंस हर वर्ग वहाँ रहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे राय सिख हो, चाहे बंगाली हो, चाहे बुक्सा हो, चाहे थारू हो, चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति, हमारे तराई का एक गुलदस्ता है जनपद उधम सिंह नगर। हमने उस गुलदस्ते को और उस फूल को पालने के लिए एक माली की तरह काम किया है, जिसमें एक ऐसे जिले से जिस जिले में कांग्रेस पार्टी को ऐन चुनाव के वक्त एक अहम बढ़त की आवश्यकता थी, ऐसे में उस क्षेत्र के बहुत ही गणमान्य नेता, बहुत ही विश्वसनीय नेता, लोगों में जिनकी बैठ है, ऐसे घर घर से आम आदमी से जुड़े हुए नेता श्री सुरेश गंगवार जी और उनकी धर्मपत्नी बहन रेणु गंगवार जी, जो कि जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा हैं, अपने तमाम जिला पंचायत साथियों और तमाम विधानगणों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा की तरफ से माल्यार्पण करके हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का भी स्वागत किया गया। वहीं मंच पर संबोधन के समय नानकमत्ता के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक राणा भारी समर्थकों के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और पूर्व सीएम रावत का स्वागत किया।
दिया है। हजारों हजार की संख्या में उमड़े हुए भाई बहनों ने कहा है कि भाजपा तड़ी पार, केवल कांग्रेस सरकार। कोई बात नहीं, गुटू से ही गुटके बनते हैं, गुटू से ही मकान बनते हैं। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से फौजियों को एकजुट कर उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में कर्नल अजय कोठियाल अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। आपके मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल अजय सिंह कोठियाल लगातार फौजियों के दिलों में जगह बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में कोटद्वार विधानसभा से प्रत्याशी अरविंद वर्मा के नेतृत्व में गौरव सेनानी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पूर्व फौजी और आप कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। हम तो कह रहे हैं कि फौज का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होगा तो पॉलिटिक्स अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ये बदमाश पॉलिटिक्स जो है ना, ये उत्तराखंड की जो पूरी बाउंड्री है इसके बाहर घूमेगी, यूपी में घूमेगी, हरियाणा में घूमेगी और जगह रहेगी। उत्तराखंड से आउट करना है, इसलिए फौजियों ने, जिन्होंने कि पूरे देश में अभी तक दुश्मनों से लड़े हैं, आज इनसे लड़ना है उत्तराखंड के अंदर। खासकर मात देने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही अपने को मात दे रहे हैं। बीजेपी वाले तो वो बन गए ना, मेरे ख्याल से पहले तो कहीं बात ये भी हो रही थी कोटद्वार में बनाएंगे एक फैक्ट्री, जिसे बोलते हैं मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री, तो बीजेपी ने तो बहुत अच्छी बना दी। वो कांग्रेस की फाइटिंग तगड़ी चल रही है, परसों कांग्रेस भवन में कहते हैं कि सबसे बड़ा बॉक्सर कौन बनेगा इंटरनेशनल, उसकी बात चल रही थी, तो आपस में एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। तीसरी चीज़, बीजेपी को कांग्रेस को टारगेट करना चाहिए, कांग्रेस को बीजेपी को करना चाहिए, दोनों के दोनों आम आदमी पार्टी को टारगेट, मतलब हमारी एंट्री तो हो रही है, जनता हमें एक्सेप्ट कर रही है। दिनेशपुर में बढ़ते अपराध की रोकथाम के लिए लगातार पुलिस प्रयासरत है। आपको बता दें कि आज दिनेशपुर के मोतीपुर में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें मित्रता सेवा सुरक्षा अभियान के तहत दिनेशपुर के थाना अध्यक्ष विनोद जोशी ने ग्रामीणों को अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिसमें उन्होंने महिला संबंधी हो रहे अपराध और बाल विवाह, सड़क सुरक्षा, घरेलू हिंसा समेत कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। ये क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेके और नशा जैसे क्राइम, चोरी, डकैती, इस चीज़ को ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है क्षेत्र के अंदर। तो क्षेत्र में जो हमारे थाने इंचार्ज जो नए आए हैं उनसे हमारी बात हुई, तो गांव में एक जन जागरूकता अभियान के तहत युवाओं को, महिलाओं को और जो इस टाइप के क्राइम करते हैं उस चीज़ के भी संवाद हुआ। उस संवाद में कहा गया कि इन चीज़ों को छोड़ के अथक प्रयास करना चाहिए। हमारे थाना दिनेशपुर से जो हमारे एसओ साहब है विनोद जोशी जी ने बहुत ही अच्छा पहल शुरू किया है, गांव में जाके अभियान चलाया है, महिलाओं में जागरूकता, युवक में जागरूकता और जितने भी नशा होता है गांव में, नशा का कारोबार चल रहा है, शराब का जो पहले से ही है, एसओ साहब भी चाहते, सब चाहते, गांव वाले पूरे चाहते कि ये सब बंद हो, गाँव में अच्छा संदेश करें सब लोग और अच्छा संदेश जाए। शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम दिनेशपुर में नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का 28 दिसंबर को शुभारंभ होगा। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के युवा और सामाजिक संगठन के साथ नगर पंचायत बोर्ड के पदाधिकारी के साथ कबड्डी संघ के स्टेट चेयरमैन मेजर सिंह संधु ने एक बैठक आयोजित की है। इस दौरान मेजर सिंह संधु ने कहा है कि भारत के कई राज्यों के कबड्डी के खिलाड़ियों का उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में आना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में उधम सिंह नगर के दिनेशपुर को यहाँ पहला मौका मिला है। दिनेशपुर की तस्वीरें जहां पर कार्यक्रम की देखरेख को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम दिनेशपुर में नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का 28 दिसंबर को शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के युवा और सामाजिक संगठन के साथ नगर पंचायत बोर्ड के पदाधिकारी भी पूरी तरह से तैयार हैं। स्टेट चेयरमैन मेजर सिंह सिद्धू ने एक बैठक भी आयोजित की है। इस दौरान मेजर सिंह सिद्धू ने कहा है कि भारत के कई राज्यों के कबड्डी के खिलाड़ियों का उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में आना शुरू हो चुका है, ऐसे में देखा जाए तो तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आज दिनेशपुर इंटर कॉलेज मिनी स्टेडियम में आज एक बैठक हुई है और उसमें होने ये जा रहा है कि एक कबड्डी का नेशनल प्रतियोगिता चैंपियनशिप यहाँ होने जा रही है, 31वीं चैंपियनशिप यहाँ होनी है, उसी की तैयारियों को लेके हमारे यहाँ पे वार्ड मेंबर
यहाँ के चेयरमैन और हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं दुबे जी, टीम कोच, इन सबको लेके एक उनकी व्यवस्था के लिए एक बैठक हुई है, क्योंकि लगभग हमारे भारतवर्ष के सभी प्रदेशों से एक लड़कों की एक लड़कियों की टीम आनी है। उनको यहाँ पर बढ़िया तरह से रहने का, सोने का, खाने का, पीने का, क्योंकि चार दिन का गेम है, 28 से लेके 31 दिन चार गेम, एक दिन टीमें पहले आनी और एक दिन बाद में जानी है। नैनीताल के पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर लालकुआ के नए पुलिस क्षेत्राधिकारी होंगे। बता दें कि शांतनु पराशर पहले भी लालकुआ में अपनी सेवा दे चुके हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने लालकुआ में रहते हुए कई बड़े मामलों का खुलासा किया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर की तैनाती के बाद नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और अवैध कारोबारी जेल भी जाएंगे। लालकुआ की तस्वीरें जहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नैनीताल के पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर लालकुआ के नए पुलिस क्षेत्राधिकारी होंगे, जिसको लेकर घोषणा भी हो चुकी है। बता दें कि शांतनु पराशर पहले भी लालकुआ में अपनी सेवा दे चुके हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर ने लालकुआ में रहते हुए कई बड़े मामलों का खुलासा किया था, कई बड़े ऑपरेशन भी चलाए थे। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पराशर की तैनाती के बाद नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है और अवैध कारोबारी जेल भी जाएंगे, ऐसी भी उम्मीद लगातार जनता लगा रही है। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जहां एमबीपीजी इंटर कॉलेज के मैदान में सुरक्षा एजेंसी तैनात कर दी गई है, तो वहीं जिले के एसएसपी पंकज भट्ट ने एमबी इंटर कॉलेज के मैदान का जायजा लिया, जहां उन्होंने पुलिस के कई टास्क कर्मियों को मैदान में बारीकी से हर चीज पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। हल्द्वानी की तस्वीरें जहाँ पर एसएसपी ने इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया है। दरअसल हल्द्वानी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इंटर कॉलेज के मैदान में सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गई हैं। जिले के एसएसपी पंकज भट्ट ने भी इंटर कॉलेज के मैदान का जायजा लिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उन्होंने पुलिस के कई टास्क कर्मियों को मैदान में बारीकी से हर चीज पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो हल्द्वानी की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां पहले से ही की जा चुकी हैं। इस समय सबसे मेन जो आपका कार्यक्रम स्थल है, यहाँ पे 1.5 सेक्शन PAC लगाई गई है। इसके अलावा डबल गार्ड लगाई गई है। सामने जो टंकी दिख रही है उसकी सुरक्षा के लिए अलग से गार्ड लगाई गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लार्ज स्केल पे दो इंस्पेक्टर और फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, जो सत्यापन कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो रोड अभी निर्माण का कार्य चल रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए अलग से जो है फोर्स लगाई गई है। रूट डाइवर्जन प्लान हमारा लगभग तैयार है, आज शाम तक उसको हम फाइनलाइज कर लेंगे। इसके पार्किंगें रहेंगी, वो निर्धारण किया जाएगा। रुड़की में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज न करने पर शहर के पत्रकार कोतवाली परिसर में दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे पत्रकारों ने यूपी के पूर्व MLC साहब सिंह सैनी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी के साथ ही उन्होंने साहब सिंह सैनी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। तो रुड़की की तस्वीरें जहां पर पूर्व MLC के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। दरअसल रुड़की में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज न करने पर शहर के पत्रकार कोतवाली परिसर में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे पत्रकारों ने यूपी के पूर्व MLC साहब सिंह सैनी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने साहब सिंह सैनी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग भी की है। उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये धरना खत्म नहीं होने वाला है। तो रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर धरने पर पत्रकार बैठे हुए नजर आए, पूर्व MLC के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। ऐसे में पुलिसकर्मियों से पत्रकारों की नोकझोंक भी हुई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक साहब सिंह सैनी पर मुकदमा दर्ज नहीं होता और कार्रवाई नहीं होती, तब तक ये धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। हरिद्वार में भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया। भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर नशे को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें स्मैक, चरस, गांजा जैसे नशे को लेकर एक अभियान शुरू किया गया। सामाजिक सेना के अध्यक्ष विनोद गिरी महाराज जी ने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी स्मैक गांजे को अपने जीवन में उतार रही है। हरिद्वार धर्मनगरी कैसे नशा मुक्त हो, इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन भी दिया गया है। हरिद्वार की तस्वीरें जहां पर हरिद्वार को नशा मुक्त करने के लिए खास प्रदर्शन किया गया है। दरअसल हरिद्वार में भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने नशे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर नशे को लेकर ज्ञापन भी दिया है, जिसमें स्मैक, चरस, गांजा जैसे नशीले पदार्थ को लेकर एक अभियान शुरू किया गया। सामाजिक सेना के अध्यक्ष विनोद गिरी महाराज जी का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी लगातार
नशे में डूब रही है। स्मैक गांजी को अपने जीवन में उतार रही है। हरिद्वार धर्मनगरी नशा मुक्त कैसे हो, इसको लेकर हम सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंप रहे हैं। आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पे, क्या आपका कार्यक्रम था पूरा? देखिए, आज हमारा एक कार्यक्रम था भैरव सेना के अंतर्गत माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को एक ज्ञापन सौंपने का। हरिद्वार में बढ़ते हुए नशे के व्यापार कारोबार और हमारी जो नई पीढ़ी है वो खोखली होती जा रही है नशे के कारण से। सरकार और संबंधित अधिकारी इस पर चुप करके बैठे हैं, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आपने को ये दर्द महसूस हुआ तो उन्होंने आज ये प्रकट किया। हरफसेना सड़कों पर उतरती हुई नजर आई है, साथ ही साथ उनका कहना है कि हम मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं कैसे हरिद्वार को नशा मुक्त किया जाए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर बसे रुद्रप्रयाग को नगर पालिका बने डेढ़ दशक का समय बीत चुका है। लगभग 15,000 आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र को 7 वार्डों में बांटा गया, जहां से हर दिन घरों और दुकानों से नगर पालिका कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रही है। नगर पालिका की ओर से कूड़े को डंप करने के लिए मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर रतौली में डंपिंग जोन बनाया गया है, जहाँ जैविक और अजैविक कूड़े की छटनी की जाती है। शहरी क्षेत्रों में कूड़े के ढेर के कारण नगर की सुंदरता भी बदरंग हो गई है, जिस कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर इस कूड़े का सही से इस्तेमाल किया जाए तो कमाई का जरिया भी बन सकता है। नगर पालिका की ओर से इस साल कूड़े को बेचकर 7 लाख की आय प्राप्त की गई है। यहां तक कि जैविक कूड़े की भी खाद तैयार की जा रही है। तो जैविक और अजैविक कूड़े की छटनी लगातार की जा रही है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इससे कमाई भी काफी हुई है। दरअसल रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर बसे रुद्रप्रयाग को नगर पालिका बने 15 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लगभग 15,000 आबादी वाले नगर पालिका क्षेत्र को 7 वार्डों में बांटा गया है, जहां से हर दिन घरों और दुकानों से नगर पालिका कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रही है। नगर पालिका की ओर से कूड़े को डंप करने के लिए मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर रतौली में डंपिंग जोन बनाया गया, जहाँ जैविक और अजैविक कूड़े की छटनी की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में कूड़े के ढेर के कारण नगर की सुंदरता भी कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आ रही है। नगर परिषद रुद्रप्रयाग में कूड़े में बहुत बेहतर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग द्वारा कुल 122 टन कूड़े को विक्रय किया गया है, जिससे पालिका को कुल 7 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। इसमें सूखा एवं गीला कूड़ा दोनों है। जो गीला कूड़ा होता है, जैविक जो कूड़ा है, जैविक कूड़े से भी हम खाद तैयार कर रहे हैं, जिससे हमने अभी तक कुल 1 क्विंटल खाद तैयार की है, जिसमें से हम 40 क्विंटल खाद को 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच चुके हैं। नगर क्षेत्र में जगह जगह ये जो महिला स्वच्छता समिति जो काम कर रही है, प्रत्येक नगर क्षेत्र से ये कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी कूड़ा अलग टेंचिंग ग्राउंड बना रखा है, उसमें मतलब 7 लाख के आसपास हमने कूड़ा बेच कर आमदनी कर दी। आगे भी इसी तरह अगर नगर क्षेत्र के लोग नगर पालिका को सहयोग करेंगे तो आगे भी नगर पालिका अपने अच्छे ढंग से कूड़ा बेचेगी। रुद्रपुर की एचपी कंपनी के 500 मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ 100 दिनों से ज्यादा समय होने पर हल्द्वानी के तिकोनिया में पकौड़े और आलू बेचकर प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की। एचपी कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी से उन्हें रोजगार से हटाए जाने को लेकर कई बार वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिल चुके हैं, बावजूद इसके आज तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। उनका कहना है कि आने वाले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हल्द्वानी दौरे को लेकर वो किसी न किसी जरिए कंपनी के खिलाफ अपनी नाराजगी लगातार व्यक्त करेंगे। हल्द्वानी की तस्वीरें आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी हैं जो बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल रुद्रपुर की एचपी कंपनी के 500 मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ 100 दिनों से ज्यादा समय होने पर हल्द्वानी के तिकोनिया में पकौड़े और आलू बेचकर प्रदेश सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की। एचपी कंपनी के कर्मचारियों का यह भी कहना है कि कंपनी से उन्हें रोजगार से हटाए जाने को लेकर वो कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिल भी चुके हैं, बावजूद इसके आज तक सरकार से उनकी कोई सुध नहीं ली है। उनका कहना है कि आने वाले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हल्द्वानी दौरे को लेकर वो किसी न किसी के जरिए कंपनी के खिलाफ अपनी नाराजगी उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं।
तो हल्द्वानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 500 मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि हम लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुध नहीं ले रहा है। धरनारत हुए LC कार्यालय में 117 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन ये शासनीय प्रशासन कोई भी हमारी चीज़ों को सुनने के लिए राजी नहीं है। और हमने जो है शासन में प्रशासन में हर जगह अपनी गुहार लगाई है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से हम 5 बार मिल चुके हैं, उनको अपना ज्ञापन भी दिया, लेकिन उनके द्वारा धरातल पर कोई काम इसमें नहीं किया जा रहा है। और आज हमें जो है विवश होकर यहाँ पर पकौड़े तलने के लिए आज हम लोग सब बेरोजगार विवश हो चुके हैं। आज हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। 38-40 साल की उम्र में कंपनी ने हमें कंपनी से निकाल दिया है। तो में आज जो प्रधानमंत्री जी बातें करते थे 2 लाख रोजगार देने की, 2 करोड़ रोजगार देने की, वो आज यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जिनका रोजगार था रोजगार भी छीन चुका है। और अब आगे की कार्रवाई ये है कि हम अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे। आगे हम प्रधानमंत्री जी का उनकी रैली है यहाँ पे, हम उनका भी विरोध करेंगे। और हम कंपनी ने हमें इस तरह से निकाल दिया है, हम 117 दिन से बैठे हुए हैं, कोई भी ले रहा है, हम अपनी आवाज और बुलंद करेंगे। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं उधम सिंह नगर में भी स्कूल के बच्चों के लिए खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बालिका इंटर कॉलेज दिनेशपुर में एक छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कुछ दिन पहले जिले के नवोदय विद्यालय में 7 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। अभी हाल ही में उसी को देखते हुए गदरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच हुई, जिसमें एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा भी पॉजिटिव पाई गई है। दिनांक 24 दिसंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम के अंतर्गत हम लोग बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने आए थे, जिसमें क्लास 6, 7, 8 के लगभग 100 बच्चों को हमारे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड सैंपलिंग करी गई थी, जिसमें कि जो आज रिजल्ट आया, एक बच्ची पॉजिटिव आई है, जिसको संक्रमण आगे ना फैले इसको ध्यान में रखते हुए आज हमने पूरे विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का कोविड सैंपलिंग करेंगे, साथ में ही सभी स्टाफ का भी हम लोग कोविड सैंपलिंग करवा करके जाँच करवाएंगे। ताकि हमने बच्चों के लिए सैनिटाइज करके ही विद्यालय के अंदर आते हैं, और सारे बच्चे मास्क लगाते हैं, और यहाँ पर सब बच्चों से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, लेकिन अब ये ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है मैं सारे पेरेंट्स से कहूँगी कि वो बच्चों का ध्यान रखें और मास्क वास्क लगा कर ही घर से बाहर भेजें। हाँ, तो हमें बीच बीच में निर्देश देते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि हम 50 बच्चों को ऐसे करके बुलाते हैं। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लॉक में ग्रामीणों ने 57 सालों बाद भी अपनी भूमि पर मालिकाना हक न मिलने पर चौपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 घंटे चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया। बरसाल के सलामी तोक के 9 परिवारों की ओर से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कुंड चौपता गोपेश्वर राष्ट्रीय मार्ग के करेला तोक में धरना प्रदर्शन करते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है, जिसके चलते हाईवे पर चक्का जाम करने से मिनी स्विट्जरलैंड चौपता जाने वाले और वहाँ से आने वाले सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।